वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हम कन्वर्ट करेंगे नंबर को, इस नंबर को फ्रॉम बेस 10 टू बेस 2। बेस 10 क्या होता है? डेसिमल। और बेस 2 क्या होता है? बाइनरी। तो हम लोगों ने क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी जो है सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 125 ये नंबर है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है। तो 125 को हमने यहाँ पर लिख लिया, इसकी बेस भी लगा दें। डेसिमल की बेस हमारे पास 10 होती है। यहाँ पर हम लोगों ने अब कन्वर्ट इसको किस में करना है? बेस 2 में, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जब बेस 2 में मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से हम यहाँ पर डिवाइड करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अब 2 के टेबल में जो है हमारे पास 1 तो नहीं आता, 2 के टेबल में 12 आता है 6000, ठीक है। 2 के टेबल में 12 आता है 6000, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है 2000। अब हमारे पास ये 5 था, हमने तो 4 को सॉल्व किया, जो इसका 1 है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर में आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, रिमाइंडर अगर आपने इस तरह करके लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपने ये लाइन लगा के इधर रिमाइंडर से लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी लिख लें सही हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर 2 ही लेते जाना है, जैसे यहाँ पर 2 ही लेते गए थे, ठीक है। 2 के टेबल में 6 आता है 3000, 2 के टेबल में 2 आता है 1000। ये पूरा पूरा नंबर सॉल्व हो गया, तो इसकी जगह रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 2 के टेबल में हमारे पास 30 आता है, 31 नहीं आता, 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स आता है। और अगर आपको नहीं पता तो इस तरह सॉल्व कर लें कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा, 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2 के टेबल में 2 आता है 1000। ये 3 था, हमने 2 को सॉल्व किया, इसका 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, बन गया 11। अब 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 10 आता, 2 के टेबल में 10 आता है 5000। ये तो 11 था, हमने 10 को सॉल्व किया, तो यहाँ पर इसका 1 रिमाइंडर में आ गया। सिंपल है, अगर आपने इस तरह नहीं करना तो 15 टू 30 होता, तो ये 31 था, तो रिमाइंडर में 1 आ गया। 2 के टेबल में अब हमारे पास, हमें पता है कि 14 आता है, 15 से छोटा, 15 नहीं आता, तो 2 के टेबल में 14 आता है 7000। और ये 15 था, हमने 14 को सॉल्व किया, तो इसका 1 रिमाइंडर में आ गया। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 6 आता है 3000, तो हमने यहाँ पर 3 लिखना था, ठीक है। 2 3 6 होता है, तो ये तो 7 था, तो 1 रिमाइंडर में आ गया। और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा, 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2 के टेबल में 2 आता है हमारे पास 1000। और ये हमारे पास 3 था, हमने 2 को सॉल्व किया, इसका 1 यहाँ पर रिमाइंडर में आ गया, ठीक है। और बस यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, कि 125 हमारे पास डेसिमल नंबर था, उसकी बेस हमारे पास 10 थी। और अब हमने आंसर किस तरह लिखना होता है? लेफ़्ट टू राइट देन अपवर्ड डायरेक्शन में आंसर लिखते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कितने टाइम्स हमारे पास, यहाँ पर पहले ये वाला 1 लिख लें, फिर ये वाला 1 लिख लें, फिर ये वाला 1 लिख लें, और फिर ये वाला 1, और फिर ये वाला 1, 2 टाइम्स और 1 है, देन 0 और 1, ठीक है। और बेस हमारे पास क्या है इसकी, किस में कन्वर्ट किया? बाइनरी में, तो बेस 2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऊपर, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 1 आ गया, और फिर 0 और 1। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। देन बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऑक्टल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।